हेलो एवरीवन, JEE PYQ एडवांस क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही लंबा चौड़ा स्टोरी है, तो कृपया करके वीडियो रोक करके एक बार ठीक से क्वेश्चन को समझें। इसमें बोला गया है कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, और टोटल लिगेंड्स कितना है इस मेटल कॉम्प्लेक्स में? लिगेंड्स कौन होते हैं पता है ना? NH3 चार है, क्लोरीन साहब दो है, ब्रोमीन साहब एक है, टोटल सात हो गए। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ऑप्शन क्वेश्चन पूछ सकता है ये हम लोग से। हैज़ बीन आइसोलेटेड इन टू फॉर्म्स। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो सकता है? क्या 4 नहीं हो सकता सर? अगर 4 होगा, NH3 काउंटर आयन तो बन नहीं सकता, अनायन। तो NH3 अगर सारा अंदर रहा तो क्लोरीन ब्रोमीन सब बाहर है। अगर ये लोग बाहर है तो क्या ये दो आइसोमर एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, इसका ना GI है ना OI है, और ये क्लोरीन ब्रोमीन अंदर भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे वाले केस में जब दो तरह के हेलोजन्स दिखे ना, तो समझ जाना था ट्रिक कि भाई ये आयनाइजेशन आइसोमर टाइप होगा। ठीक है, तो जरूर एक बार क्लोरीन बाहर निकलता होगा, एक बार ब्रोमीन निकलता होगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहा होगा। उसके दो फॉर्म रहे होंगे, फॉर्म ए रिएक्ट विथ AgNO3, तो AG के साथ हैलोजन जो है हम लोगों को पता है। तो बेसिकली क्या रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा और यहाँ पे कोई X रहा होगा। अब X के दो पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से? X इज इक्वल टू BR रहा होगा और X इज इक्वल टू CL रहा होगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज। जरूर एक ही BR बाहर रहा होगा, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं कि कोई और आयन बने, हम लोग चाहते हैं कि एक ही आयन बने, है ना। Cl2 भी कर देंगे तो फिर तीन ऑप्शन हो जाएगा ना। कोई बोलेगा सर Cl2 भी तो कर सकते थे, फिर तो तीन ऑप्शन हो गया, Cl2 ClBr। ठीक है, तो दो ऑप्शन हुआ, लेकिन फिर से ClBr हो जाएगा। ClBr हो गया मतलब क्लोरीन भी निकल रहा है, ब्रोमीन भी। हम लोग को चाहिए ही नहीं वैसा, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए कि वो एक पार्टिकुलर तरह से रिएक्ट करेगा AgNO3 से, वाइट PPT बनाएगा। तो कौन होता है वाइट PPT? AgCl की AgBr, AgCl होता है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत बार यही पूछ चुका है कि Ag वाले से रिएक्ट कराता है कोई, Ag नाइट्रेट से, और एक PPT बनाता है। तो PPT हमेशा हेलोजन के साथ Ag बनाता है जुड़ करके मस्त। ठीक है, तो A क्या रहा होगा? A में ब्रोमीन रहा होगा। अच्छा, ये चलिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन। ठीक है, तो वाइट PPT किसका बनता है? AgCl का बनता है। और इसमें अगर Ag डालेंगे तो क्योंकि इसका काउंटर आयन पता है ना, यही आयोनाइज होता है, यहाँ पे ये आयोनाइज होगा, ये AgCl बनाएगा, ये AgBr बनाएगा, और ये लोग भी यही बोल रहा है कि वाइट PPT बनाएगा, तो वाइट AgCl होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग से नहीं हो पाएगा कुछ। क्लियर? तो AgCl वाइट PPT होता है, और AgBr क्या होता है? AgBr अपना कौन सा कलर होता है? येलोइश, थोड़ा लाइट वाला। ठीक है, तो बोला है कि द फॉर्म ए रिएक्ट्स विद AgNO3 टू फॉर्म वाइट PPT, और अमोनिया में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, वेयर एज बी गिव्स पेल येलो PPT, जो कि कंसनट्रेटेड अमोनिया में डिजॉल्व होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गए। तो अगर किसी को ये नहीं पता है कि भाई AgBr ऐसा करता है, तो ये क्वेश्चन बनने का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड और सेकेंड कंपाउंड अपना ये होगा, जो काउंटर आया ना उस पर लिख दीजिए। तो अगर Cl बाहर है, तो अगर Br बाहर है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन बचेगा और एक ब्रोमीन बचेगा ना। और अगर Cl बाहर है तो दो ब्रोमीन बचेगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालेंगे, क्योंकि आगे क्या पूछा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ AnB। तो ये अपना A हो गया, ये अपना B हो गया, राइट द फॉर्मूला ऑफ AnB एंड सेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम एंड Hg एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो खैर, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए, मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाता है। तो क्रोमियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? S1D5। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, दोनों में सेम ही होगा, देख लीजिए, क्योंकि दोनों में दो हेलोजन्स और चार अमोनिया है। तो ये -1 क्लोरीन होता है, तो ये क्या हुआ? +1। ये ब्रोमीन भी -1 होता है, तो ये काउंटर आयन क्या रहा होगा? +1। तो X+0, अमोनिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ब्रोमीन का -1 कंट्रीब्यूशन, टोटल दो ब्रोमीन है, और टोटल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 है, +2 +1 इज +3। तो तीन इलेक्ट्रॉन गए, तो क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या आएगा?
एस तो जीरो हो गया, डी क्या हो गया, थ्री हो गया, तो दो बॉक्स खाली है, कोऑर्डिनेशन नंबर छः है, दो बॉक्स खाली, कोऑर्डिनेशन नंबर छः, कोई वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड से मतलब ही नहीं है, वैसे तो दोनों में स्ट्रांग फील्ड भी है, ठीक है, बट उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये दोनों यूज़ हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल और एक एस और तीन पी यूज़ होगा, और ये भाई साहब बनाएंगे डी टू एस पी थ्री, क्लियर। तो दोनों केस में वही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बस दो बी आर की जगह एक बी आर और एक सी एल है, तो टोटल चार्ज माइनस टू, टोटल चार्ज ऊपर प्लस वन, तो ये क्या रहा होगा, प्लस थ्री, थ्री माइनस टू प्लस वन, फिर से वही केस हुआ। तो दोनों अपना डी टू एस पी थ्री बोलेंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल ही सकते हैं, तीन एम्पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों ही केस में यही होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एन इन टू एन प्लस टू होता है, एन का वैल्यू कितना आ रहा है, थ्री, तो थ्री इन टू फाइव का अंडर रूट, रूट फिफ्टीन इज द आंसर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, 3.9, ठीक है। तो ये रहा अपना आंसर, तो 3D6 क्रोमियम जो है हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 हो रहा है, ओके, चलिए, बाय एवरीबॉडी।